हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। क्लास है आपकी BMW की, बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सिविल सेकेंड सेम का सब्जेक्ट है ये। आज हम MCQ डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट के, ओवरव्यू ऑफ DC सर्किट चैप्टर है। इसके MCQ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रतिरोध की इकाई होती है ओम। ऑप्शन नंबर ए ओम, ऑप्शन नंबर ए मोह, ऑप्शन नंबर सी ओम सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी मोह पर सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ओम। रेजिस्टेंस को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर टू, कंडक्टेंस की इकाई होती है, यूनिट क्या होती है कंडक्टेंस की। ए ऑप्शन नंबर ए ओम, ऑप्शन नंबर बी मोह, ऑप्शन नंबर सी ओम सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी मोह पर सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोह, क्योंकि रेजिस्टेंस की जस्ट व्युत्क्रमानुपाती होता है कंडक्टेंस, उसकी यूनिट होती है मोह। उसके बाद आती है प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए ओम, ऑप्शन नंबर बी मोह, ऑप्शन नंबर सी ओम सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी मोह पर सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ही ओम सेंटीमीटर। उसके बाद आता है चालकता की इकाई होती है ओम मोह, यस ऑप्शन नंबर सी है ओम सेंटीमीटर और डी मोह पर सेंटीमीटर। चालकता की इकाई हो जाएगी आपकी मोह पर सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। धारिता की इकाई होती है, धारिता की इकाई होती है फैराड, हेनरी, ओम या जूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फैरिता, फैरड, फैरड को फैरड होती है इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए धारिता को इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है फैरड। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आता है प्रेरकत्व की यूनिट होती है प्रेरकत्व, यानी प्रेरकत्व कहते हैं इंग्लिश में इंडक्टेंस, इंडक्टेंस की यूनिट इंडक्टर, इंडक्टर की यूनिट क्या होती है, इसे अंग्रेजी के L अक्षर से डिनोट करते हैं। ऑप्शन है आपका ए फैराड, बी हेनरी, ऑप्शन नंबर सी ओम, ऑप्शन नंबर डी जूल। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हेनरी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हेनरी प्रेरकत्व की यूनिट होती है यानी इंडक्टेंस की यूनिट होती है आपकी फैराड, सॉरी हेनरी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेवन है, कंडक्टेंस की यूनिट होती है, कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है मोह या सेमेंस या ऑप्शन नंबर सी प्रति ओम, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। कंडक्टेंस की ये सारी यूनिट होती है, मोह भी होती है, सीमेंस भी होती है और सी प्रति ओम भी होती है। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज इज अ राइट आंसर। कंडक्टेंस की यूनिट ऑल ऑफ दीज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर एट आता है, पावर की इकाई होती है, पावर की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, वाट होती है या न्यूटन होती है, वेबर्स होती है। पावर की यूनिट आप सबको पता है पावर, शक्ति, शक्ति की क्या इकाई होती है, शक्ति की इकाई होती है वाट। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। उसके बाद आता है अर्धचालक को कहा जाता है, अर्धचालक को क्या कहा जाता है, इंट्रेंसिक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इंट्रेंसिक, ऑप्शन नंबर बी एक्सट्रेंसिक, ऑप्शन नंबर सी पी टाइप, ऑप्शन नंबर डी एन टाइप। तो प्योर सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, इंट्रेंसिक कहा जाता है। इसमें क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि इंट्रेंसिक अर्धचालक को कहा जाता है, प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर या कंडक्टर, तो क्या कहा जाता है, प्योर सेमीकंडक्टर। कुछ क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है। तो शुद्ध अर्धचालक को हम इंट्रेंसिक कहते हैं या प्योर सेमीकंडक्टर को हम इंट्रेंसिक कहते हैं। यदि ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर टेन, वो क्वेश्चन नंबर टेन है आपका, यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को पैरेलल में जोड़ा जाए यानी समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो आपको पता है फॉर्मूला 1/R = 1/R1 + 1/R2।
यानी 1/3 प्लस 1/6 एलसीएम ले लेंगे, 6 तिया नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 6 तिया 18 ऊपर जोड़ दो 9, क्या आ जाएगा 1/2 उल्टा कर दो 2, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, बी इज ए राइट आंसर, यानी 2 ओम होगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11, घरेलू वायरिंग में सभी उपकरण जुड़े होते हैं, घरेलू वायरिंग में सभी उपकरण किस क्रम में जुड़े होते हैं, सीरीज में, पैरेलल में, एक कास्केट में, ओवरहेड में। तो घरेलू वायरिंग जब होती है तो उसमें जो है वायरिंग जितने इक्विपमेंट्स होंगे वो सब जुड़े होते हैं पैरेलल में। पैरेलल में क्यों जुड़े होते हैं, क्योंकि वोल्टेज पैरेलल में इक्वल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12, 6 फैरेड और 3 फैरेड यानी 6 फैरेड और 3 फैरेड को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता होगी, दो कैपेसिटर हैं आपके 3 फैरेड के और 6 फैरेड के, उनको समांतर क्रम में जोड़ना है, उसके लिए तुल्य धारिता निकालनी है कितनी होगी। ऑप्शन नंबर ए 9 फैरेड, ऑप्शन नंबर बी 2 फैरेड, ऑप्शन नंबर सी 3 फैरेड, ऑप्शन नंबर डी 18 फैरेड। तो ये क्या होता है, जैसे हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते हैं 1/R1 1/R2, इसमें क्या होगा कैपेसिटर को हम सीधे सीधे जोड़ देंगे, पैरेलल में सीधे सीधे जुड़ा होता है, 6 और 3 9 9 फैरेड आ जाएगा। समांतर क्रम में जोड़ना हो तो उसका सीधे सीधे जोड़ देते हैं और पैरेलल में 1/2 करके जोड़ेंगे, 1/C1 प्लस 1/C2 इस तरह से। तो ये हो जाएगा इसका 6 और 3 9 फैरेड, यानी ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13, 5 ओम के 5 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तुल्य प्रतिरोध होगा, 5 ओम के 5 प्रतिरोध हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध को जोड़ना हो तो सीधे सीधे जोड़ते हैं, 5 प्रतिरोध है, 5 प्लस 5 प्लस 5, 5 बार जोड़ोगे कितना आ जाएगा 25 ओम होगा। ऑप्शन नंबर ए है आपका 1 ओम, ऑप्शन नंबर बी है 5 ओम, ऑप्शन नंबर सी 10 ओम, ऑप्शन नंबर डी 25 ओम। तो राइट आंसर क्या हो जाए इसका, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, 25 ओम। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 है, 5 ओम के 5 प्रतिरोध 5 ओम के 5 रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ऑप्शन नंबर ए है 1 ओम, ऑप्शन नंबर बी 5 ओम, नंबर सी 10 ओम, ऑप्शन नंबर डी 25 ओम। तो 5 प्रतिरोध है, 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 कितना आ जाएगा 5/5 बार जोड़ना है, 5/5 यानी 1 ओम आ जाएगा इसका आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 है, एन ओम के एन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा, ऑप्शन नंबर ए है 1 ओम, ऑप्शन नंबर बी इस पर छूट गया है 2 ओम लिख लो, या सी 2 एन ओम, और ऑप्शन नंबर डी एन स्क्वायर ओम। एन प्रतिरोध एन श्रेणी क्रम में जोड़ने हैं तो क्या करोगे, एन स्क्वायर हो जाएगा, एन प्लस एन प्लस एन, एन ओम के एन प्रतिरोध है, तो उसका आंसर हो जाएगा एन प्रतिरोध है आपका, एन ही बार जोड़ना है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, एन स्क्वायर ओम हो जाएगा। इसी क्वेश्चन नंबर 16 है, 9 फैरेड के 9 कैपेसिटर श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता होगी, ऑप्शन नंबर ए 1 फैरेड, ऑप्शन नंबर बी 9 फैरेड, ऑप्शन नंबर सी 19 फैरेड, ऑप्शन नंबर डी 81 फैरेड। क्या करना है, नौ कैपेसिटर हैं आपके और 9 फैरेड के हैं जोड़ने हैं श्रेणी क्रम में, जोड़ दो 1/9 1/9 9 बार, क्या हो जाएगा 9/9 यानी 1 फैरेड आ जाएगा उसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सत्रह है, 9 फैरेड के 9 कैपेसिटर समांतर क्रम में जोड़े हैं तो तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, ऑप्शन नंबर ए 1 फैरेड, ऑप्शन नंबर बी 9 फैरेड, ऑप्शन नंबर सी 18 फैरेड, ऑप्शन नंबर डी 81 फैरेड। 9 प्रतिरोध है समांतर क्रम में जोड़े हैं, 9 प्लस 9 प्लस 9 9 टाइम जोड़ो कितना आ जाएगा,
9981 81 फेराइट आ जाएगा इसका राइट आंसर, एंड ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, एन फेराइट के एन कैपेसिटर श्रेणी में जुड़े हैं तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। एन फेराइट के एन कैपेसिटर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, 1 फेराइट ऑप्शन नंबर ए, बी एन फेराइट, ऑप्शन नंबर सी 2 एन फेराइट, ऑप्शन नंबर डी एन स्क्वायर फेराइट। इसका हो जाएगा 1 फेराइट इज द राइट आंसर। कैसे, 1/n + 1/n मतलब एन टाइम जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, n/n = 1। 1 फेराइट इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसके बाद 19 क्वेश्चन है, एन फेराइट के एन कैपेसिटर समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता होगी। एन फेराइट के एन कैपेसिटर समांतर क्रम में जोड़ने हैं, समांतर क्रम में ऐसे ही डायरेक्ट जोड़ देते हैं हम, तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए है 1 फेराइट, ऑप्शन नंबर बी एन फेराइट, ऑप्शन नंबर सी 2 एन फेराइट, ऑप्शन नंबर डी एन स्क्वायर फेराइट। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, एन स्क्वायर फेराइट। अगर एन फेराइट के एन कैपेसिटर समांतर क्रम में जोड़े हैं तो उसका एन फेराइट आंसर आ जाएगा, एन स्क्वायर फेराइट। अगर एन ओम के एन रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तब भी एन स्क्वायर आएगा, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया कहलाती है रिफाइनिंग, ईचिंग, मेटलाइजेशन या डोपिंग। तो शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को कहते हैं हम डोपिंग। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डोपिंग क्या कहलाती है, शुद्ध अर्धचालक में यानी प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिलाने की प्रक्रिया कहलाती है डोपिंग। तो थैंक यू क्लास आज के लिए।